मैं डॉक्टर आर पी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघो आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। भारंगी के पौधे के कई हिस्सों का सेवन स्वास्थ्य संबंधी तमाम प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। भारंगी में औषधीय गुण भरपूर मौजूद हैं जो एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने में सहायक हैं, एक्सपेक्टोरोंट यानी कफ को निकालने में सहायक हैं, एंटी इन्फ्लामेंट्री यानी सूजन कम करता है, एपेटाइजर यानी भूख बढ़ाता है, एंटी टॉक्सिक एंटीसेप्टिक एंट्रिंजेंट स्टेप्टिक घाव से होने वाले रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। पारंपरिक और देसी चिकित्सा में भारंगी को कुछ महत्वपूर्ण उपचारों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें सांप काटने पर भारंगी को उपयोग में लाया जा सकता है। सर्प दंश की स्थिति में भारंगी के पत्तों को तेल और मक्खन के साथ उबालकर प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है। खांसी सर्दी ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के इलाज में भारंगी की जड़ों और छाल का उपयोग किया जाता है। पौधों के विभिन्न हिस्सों का उपयोग सूजन को कम करने, भूख बढ़ाने, अपच और पेट फूलने की समस्या के उपचार के रूप में किया जाता है। बुखार को कम करने के लिए भी भारंगी को उपयोग में लाया जाता है। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भारंगी का प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए भारंगी का प्रयोग काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। यह त्वचा को साफ करने के साथ रंगत में निकाल लाती है। चेहरे पर भारंगी की पत्तियों के रस को लगाने से फोड़े फुंसियाँ सहित तमाम त्वचा के विकार दूर होते हैं। ऐसे में बेदाग त्वचा की चाहत रखने वाले लोगों के लिए यह औषधि वरदान साबित हो सकती है। सांस संबंधी रोगों में भारंगी का उपयोग बहुत लाभकारी है। भारंगी श्वसन से संबंधित रोगों के उपचार में भी प्रभावी परिणाम देने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में काफ़ी लोकप्रिय है। पुराने समय से अस्थमा जैसी क्रोनिक श्वसन स्थितियों को ठीक करने के लिए भारंगी को उपयोग में लाया जाता है। भारंगी में म्यूकोलाइटिक गुण होते हैं, इसका मतलब यह फेफड़े से बलगम को बाहर निकालने के लिए मदद करती है। इसके अलावा जिन लोगों में सामान्य सर्दी जुकाम राइनाइटिस और तपेदिक जैसी समस्याएँ हों उसके लिए भी भारंगी लाभ प्राप्त हो सकता है। हर्बिस संक्रमण में भारंगी का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। हर्बिस सिंप्लेक्स वायरस HSV उन वायरसों का एक समूह है जो मनुष्यों में संक्रमण का कारण बनते हैं। यह इंसानों को कई प्रकार से संक्रमित कर सकते हैं। HSV वायरस मुंह के चारों ओर कोल्ड सोर, जबकि HSV2 वायरस मुख्य रूप से वायरल STD यानी यौन संचारित रोग का कारण बनती हैं। इन सभी समस्याओं के उपचार में भारंगी को प्रभावी औषधि के रूप में वर्णित किया गया है। सिर दर्द की समस्या को दूर करती है भारंगी। जिन लोगों को बार बार सिर दर्द की समस्या होती है, ऐसे लोगों के लिए भारंगी एक प्रभावी औषधि मानी जाती है। सिर दर्द की स्थिति में भारंगी की जड़ के पाउडर को पेस्ट बनाकर माथे पर लगाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से हल्के से तीव्र स्तर के सिर दर्द को ठीक करने में लाभ प्राप्त हो सकता है। घाव को भरने में मदद करती है भारंगी। भारंगी के तमाम प्रकार के फायदों के साथ घावों को आसानी से भरने का गुण इसे काफ़ी खास बनाता है। क्योंकि भारंगी में एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं जो घाव को भरने के लिए आवश्यक होते हैं। जिन लोगों को घाव अल्सर और फोड़े की समस्या होती है, उन्हें प्रभावित हिस्से में भारंगी के पत्तों पर बना पेस्ट लगा के या लगाने की सलाह दी जाती है। वहीं यदि घाव संक्रमित हो गया है तो भारंगी का पेस्ट लगाने से जलन व संक्रमण को कम करने में मदद मिलती है। जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए भारंगी का प्रयोग किया जाता है। जोड़ों में होने वाले दर्द सामान्य जीवन की रफ्तार में प्रभावित कर सकते हैं। इस समस्या से ग्रसित लोगों के लिए चलना और उठना काफ़ी कठिन हो जाता है। ऐसे रोगियों के उपचार के लिए लंबे समय से भारंगी को प्रयोग में लाया जाता रहा है। जोड़ों के दर्द से संबंधित कई स्थितियाँ जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, गाउट या सूजन अपार दर्द और तकलीफ का कारण बन सकते हैं। कुछ मामलों में यह इतना दर्दकारक हो सकता है कि लोगों के लिए जोड़ों को हिलाना तक कठिन हो जाता है। इस स्थिति में प्रभावित हिस्से पर भारंगी लगाने से दर्द के साथ जोड़ों की सूजन को भी कम करने में लाभ मिलता है। बुखार को दूर करने के लिए भारंगी का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी औषधियों का जिक्र मिलता है जो अपने एंटीपायरेटिक गुणों के लिए जानी जाती हैं। भारंगी ऐसी औषधि है। यही कारण है कि भारंगी का उपयोग सदियों से बुखार को कम करने के लिए किया जाता रहा है। जिन लोगों को मलेरिया बुखार या हाइपर पायरेक्सिया की समस्या हो, उनके शरीर के तापमान को कम करने में भारंगी प्रभावी परिणाम देता है। हालांकि इस पारंपरिक पद्धति की वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्टि के लिए अभी और अधिक शोध करने की आवश्यकता है।
कृमि संक्रमण को दूर करने के लिए प्रभावी है भारंगी। कृमि संक्रमण की समस्या लोगों में बहुत आम है, मुख्य रूप से आंत में कीड़ों की समस्या ज़्यादातर लोगों को हो सकती है। जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या हो उन्हें नियमित रूप से भारंगी के काढ़े का सेवन करना चाहिए। यह संक्रमण से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेगी। लिम्फ नोड की समस्याओं में फायदेमंद है भारंगी। लिम्फ नोड को प्रभावित करने वाले सबसे आम स्थितियों में से एक है लिम्फ नोडोपैथी। इस स्थिति में लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं और लिम्फ नोड्स में सूजन की समस्या हो सकती है। इस तरह की सूजन को दूर करने के लिए भारंगी के पत्तों का पेस्ट प्रयोग में लाया जाता है। यह सूजन के साथ दर्द को कम करने में भी सहायक है। धन्यवाद।